हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज हम विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी जो लेसन है 8th क्लास का, उसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज डैट ही कुडेंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के बाद विपिन बाबू ने महसूस किया कि अपनी सीट पर वो बैठ नहीं पा रहे और काम भी नहीं कर पा रहे। This had never happened in the 25 he had been with a firm. इस फर्म में पिछले 25 सालों से वो काम कर रहे थे, परंतु कभी भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं। He had a reputation for being a tireless and conscientious worker, but today his head was worse. पिछले 25 सालों में उनकी छवि हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में फर्म में जानी जाती थी जो लगातार काम करता हो और कभी थकता नहीं था। और बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टुगेदर हिज वेट्स टुगेदर। 2:30 बजे विपिन बाबू अपने घर लौट आते हैं फॉर्म में से और अपने बेड पर लेटकर ट्राई करते हैं कि वो अपने दिमाग को शांत कर सकें। ही न्यू डैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, बट ही डिडेंट नो of a single instance of someone remembering everything except one particular incident and a fairly recent and significant one at that. ये बात तो विपिन बाबू अच्छे से समझते थे कि किसी के दिमाग में अगर चोट लग जाए तो वो व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल, तो उन्हें ऐसा कोई भी उदाहरण याद नहीं जिसमें व्यक्ति एक घटना को भूले और बाकी पूरी जिंदगी उसको याद हो, और वो घटना भी ऐसी जो इतनी इम्पोर्टेंट हो और ताजी ताजी हो। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. Important Ranchi का ट्रिप उनके लिए इसलिए था क्योंकि उन्होंने बहुत बार प्रयास किया था, वो रांची जाना चाहते थे, इसके लिए बहुत सारे उन्होंने काम भी किए थे, परंतु वो रांची कभी जा नहीं सके। इसलिए वो कहते हैं कि ये इतनी important ट्रिप जिसे वो भूल सके ऐसा तो नहीं था, और ये बात संभव भी नहीं है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था तो इसको भूल जाना असंभव है। एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 7:30 बजे विपिन बाबू का सर्वेंट उनके कमरे में आता है, उन्होंने बताता है चुन्नी बाबू कह रही हैं सर आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. विपिन बाबू अच्छे से जानते थे कि चुन्नी यहाँ पे क्यों आया है, और चुन्नी लाल उनका स्कूल के समय से दोस्त था, स्कूल में वो एक साथ पढ़ते थे। He had been having a rough time और उनका अभी चुन्नी बाबू का समय ख़राब चल रहा था, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, तो वो यहाँ पर विपिन बाबू से कुछ जॉब के सिलसिले में बात करने के लिए आए थे। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। विपिन बाबू अच्छे से जानते थे कि चुन्नी लाल के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए उन्होंने ये पहले ही उनसे बात कर की थी कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक ए बैड पैनी। लाइक ए बैड पैनी यहाँ पे idiom यूज किया है, टर्निंग अप लाइक ए बैड पैनी, इसका मतलब होता है अपियरिंग एट ए प्लेस वेयर वंस इज नॉट वेलकम। ऐसे स्थान पे आना जहाँ पर उसका स्वागत ना किया जाए, तो मतलब जहाँ पर उसकी कोई जरूरत ना हो वहाँ पर किसी को आ जाना। और विपिन बाबू ने पहले ही चुन्नी को बता रखा था कि वो कुछ नहीं उसके लिए कर सकते, लेकिन वो बार बार वहाँ पर आ जाते थे। विपिन बाबू सेंट वर्ड डेट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन ए सेवरल वीक्स। और विपिन बाबू अपने नौकर को कहते हैं कि तुम जाकर चुन्नी लाल से कह दो कि विपिन बाबू इस समय आपसे नहीं मिल सकते और न ही कुछ आने वाले हफ्तों में। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्टक विपिन बाबू डेट चुन्नी माइट रिमेम्बरिंग समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। परंतु जैसे ही सर्वेंट कमरे से कुछ कदम बाहर निकलता है चुन्नी बाबू को कहने के लिए बात, तभी विपिन बाबू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचते हैं कि चुन्नी से पूछना ठीक रहेगा 58 ट्रिप के बारे में, रांची ट्रिप के बारे में, और उसको याद भी होगा तो वो कुछ ना कुछ जरूर बता देगा। विपिन बाबू हरे डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम और सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और लिविंग रूम में पहुँच जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्नड अराउंड होपफुली। चुन्नी बाबू वहाँ से जाने वाले ही होते हैं, परंतु जैसे ही वो विपिन बाबू को देखते हैं,
वो भी पीछे मुड़ जाते हैं एक आशा में। उनको आशा थी कि कोई जॉब आई होगी, किसी जॉब का विपिन बाबू को पता लगा होगा और वो मुझे बताने आए हैं। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, फिर से idiom का यूज हुआ है यहाँ पे। बीट अबाउट द बुश मतलब इसका मतलब होता है केम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, सीधे से पॉइंट पे आ जाना, इधर उधर की नहीं हाँकते वो और डायरेक्ट चुन्नी बाबू से बात करते हैं। लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, और डायरेक्ट चुन्नी बाबू को कहते हैं सुनो चुन्नी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम्हारी बहुत अच्छी याददाश्त है और तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58, और अपनी याददाश्त को थोड़ा, थ्रो योर माइंड बैक मीन्स थिंक बैक, मतलब अपनी याददाश्त को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, अपने दिमाग पर जोर डालो और पीछे याद करते हुए पीछे की घटनाओं को मुझे बताओ, क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट 59। चुन्नी ने कहा 1958, ये 1958 की बात होगी या फिर 1959। यू आर श्योर डेट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, चुन्नी ये बात सुनकर सरप्राइज भी थे और चिंतित भी थे, वरी भी थे। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गोन एट ऑल, तुम्हें कोई डाउट है इस बारे में कि मैं रांची गया था या नहीं। डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली, क्या मैं गया था, तुम क्लियरली ये बात मुझे बता सकते हो। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, और बिपिन बाबू के सोफे पर चुन्नी बैठ जाता है और बैठकर बिपिन को बड़े ध्यान से देखता है और शॉक्ड रिएक्शंस के साथ देखता है और कहता है बिपिन क्या तुमने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है क्या। As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. और कहता है चुन्नी कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ये सब चीज़ें तो नहीं लेते, तुम्हारा इन सब चीज़ों के लेने के बारे में तो बड़ा साफ सुथरा रिकॉर्ड है, तुम ऐसी चीज़ें नहीं लेते। I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे से, पुरानी मित्रता तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, परंतु तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। यू कांट रियली मीन डेट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, और फिर बिपिन बाबू को चुन्नी कहते हैं क्या तुम पूरी तरह से इस रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो, कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि तुम वहाँ पर रांची में गए थे। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, और बिपिन बाबू चुन्नी की घूरती हुई नजरों का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अपने आप को मुड़ जाते हैं। डू यू रिमेम्बर वट माई लास्ट स्टॉप वॉज, आस्क चुन्नीलाल, और चुन्नीलाल फिर बिपिन से पूछते हैं क्या तुम्हें ये याद है कि मेरी आखिरी जॉब क्या थी, मैं कहाँ काम करता था। ऑफकोर्स यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी, और बिपिन बाबू कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। You remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. अच्छा तो तुम्हें ये याद है कि मैं क्या काम करता था, परंतु क्या तुम्हें ये याद नहीं कि मैंने ही तुम्हारे रेलवे की टिकट बुक कराई थी रांची के लिए। I went to the station to see you off, one of the fans in your compartment was not working and I got an electrician to fix it. और मैंने ही तुम्हारी बुकिंग कराई थी और मैं ही तुम्हारे साथ तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने गया था सी ऑफ करने के लिए तुम्हें, और वहाँ पर हम तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन नहीं चल रहा था, तो मैं ही तुम्हारे उस फ़ैन को ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर आया था। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए। वट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो, और चाहे कुछ भी मैटर तुम्हारे साथ हुआ हो, कुछ भी बात तुम्हारे साथ हुई हो, यू डोंट लुक टू वेल यू नो, क्या तुम जानते हो तुम सही नहीं लग रहे। बिपिन साइड एंड शोक हिज हेड, बिपिन ने एक लंबी सांस भरी और हाँ में अपना सिर हिला दिया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट, डैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और बिपिन बाबू कहते हैं मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है, बहुत वर्क हार्ड किया है और शायद इसी वजह से
मेरी तबीयत खराब है, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और मैं अब सोच रहा हूँ किसी स्पेशलिस्ट को दिखा। और बिपिन बाबू कहते हैं शायद मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि बिपिन बाबू की ऐसी कंडीशन को देखकर चुन्नीलाल अपनी जॉब की बात किए बिना वहां से चले जाते। परेश चंद्रा वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड ए शार्प नोज। परेश चंद्र एक यंग फिजिशियन थे और उनकी आईज जो थी बहुत ही ब्राइट थी और शार्प उनकी नोज थी। यहाँ पर परेश चंद्रा एक नए करेक्टर के हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ऑथर, और उनकी फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, उनकी बारे में बता रहे हैं वो किस तरह के दिखते हैं। और ये फिजिशियन हैं जो कि बिपिन बाबू जिनसे मिलेंगे, जिनसे कंसल्ट करेंगे। He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately. और बिपिन बाबू डॉक्टर से कहते हैं कि देखिए आप मुझे इस बीमारी से जल्दी से ठीक कराएं, क्योंकि इसका असर मेरे काम पर कितना पड़ रहा है ये आप नहीं समझ सकते। You must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. कि कितना मुझे ये काम में परेशान कर रही है आप ये बात समझ नहीं सकते। डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड, और डॉक्टर चंदा अपने सिर को हिलाते हैं। यू नो वट मिस्टर चौधरी ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स। और फिर डॉक्टर चंदा उनको बताते हैं बिपिन बाबू को कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा जैसा कि आपका केस है, मैंने कभी भी इस तरह के केस को डील नहीं किया। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ ये बात कि इस तरह का केस मैंने जीवन में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, मेरी अब तक के एक्सपीरियंस में इस तरह का केस कभी आया ही नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, परंतु मेरा एक सुझाव है आपके लिए। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। और डॉक्टर चंद्रा बिपिन बाबू को कहते हैं कि ये मैं नहीं जानता काम करेगा या नहीं करेगा, परंतु एक अच्छी ट्राई होगी, ये हमारी कोशिश होगी एक अच्छी, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्शियसली, और बिपिन बाबू ये बात सुनकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस प्लान को सुनने के लिए, सजेशन को सुनने के लिए कि क्या सजेशन देंगे। एज फॉर एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा कहते हैं कि जितना मैं इस केस को समझ रहा हूँ, आपके केस को जितना अच्छे से मैं समझ रहा हूँ उसके हिसाब से, एंड थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मुझे लगता है आप भी शायद ये सेम सिचुएशन को इस तरीके से ही समझ पाए होंगे। यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीजंस द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। तुम रांची गए होंगे परंतु किसी अननोन रीजन के कारण कि आप उस ट्रिप के बारे में भूल गए, वो ट्रिप आपके माइंड से कहीं स्लिप हो गया, आप उसको याद नहीं कर पा रहे। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू टू गो रांची वंस अगेन, और मेरा ये सुझाव है कि आपको एक बार रांची दोबारा जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और वहाँ के जो दृश्य होंगे, वहाँ की जो जगहें होंगी, आप उसको देखकर अपने ट्रिप के बारे में एक बार आपको याद। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मोर देन डेट आई कैनॉट डू एट द मोमेंट, और इससे ज़्यादा मैं इस समय आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर, और मैं आपको एक टॉनिक देता हूँ जिससे आपकी नसें जो हैं दिमाग की वो ठीक होंगी। नर्व टॉनिक है ये, और आपको ट्रैंक्विलाइजर के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा। ट्रैंक्विलाइजर का मीनिंग पर है ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, दवाई है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। स्लीप इज असेंशियल, परंतु नींद बहुत ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे तो आपके ये सिम्टम्स जो हैं ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको दिक्कत होगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और बिपिन बाबू ने अगली सुबह थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद बिपिन बाबू ने अपने ऑफिस में फ़ोन किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर अपने लिए फर्स्ट क्लास टिकट रांची के लिए उसी शाम की बुक करा ली। तो यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट
हम जल्दी ही करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।